नमस्कार बच्चों, आज मैं सुनील कुमार सिंह आईबी पटेल मनपा माध्यमिक शाला से इस ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अलजेब्रा का सांख्यिकी चैप्टर का रिवीजन चालू है। ये चैप्टर ये जो हम लोग प्रकृति प्लस संग्रह का सवाल करने वाले हैं। अगर आपको याद होगा कि सारे चैप्टर जो है एक एक बार पढ़ा के हो गया है और अभी ये हमारा रिवीजन चल रहा है इस चैप्टर का, इसलिए सभी बच्चों से अनुरोध है कि सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास रोज ज्वाइन करो, क्योंकि अगर आप आए एक दिन ज्वाइन करोगे एक दिन नहीं करोगे तो आपको जो बीच का पढ़ाया गया समझ में नहीं आएगा। जैसा आज मुझे जो पढ़ाना है वो प्रकृति प्लस संग्रह का क्वेश्चन नंबर लास्ट है। प्रकृति प्लस संग्रह का क्वेश्चन नंबर 6 7 8, क्वेश्चन नंबर 6 7 8। और ये क्वेश्चन नंबर 6 7 8 जो है एक बार पढ़ा के हो गया है, अगर आपने अटेंड किया होगा तो आपको अच्छे से याद होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि ऑनलाइन क्लास में आज आज कुछ बच्चे हैं, कल कुछ नए बच्चे आएंगे, फिर वो बोले हमको समझ में नहीं आता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है कि अगर मुझे उस ऑनलाइन क्लास का आज शुरू करना है, कुछ आज हमें पढ़ना है, जो सवाल करना है उसके लिए अगर आपको चाहिए तो हमें क्या करना है, वहां पे माध्य माध्यिका बहुलक संचयी बारंबारता से कम से अधिक, ये सारी चीजें जो है आपने स्वाध्याय में 7.1 2 3 4 5 में पढ़ा होगा। 7.1 2, 7.1 2 तो आलेख है, उसके बाद 3 4 5, 3 4 5 सबसे ज्यादा जिसमें है कि जो हमने पांचवी में पढ़ा होगा। हम लोग माध्य कैसे निकालते हैं, ये पहला जो है माध्य कैसे निकालते हैं, फिर माध्यिका है, फिर बहुलक है, और ये भी पढ़ा होगा आपने संचयी बारंबारता। अब देखो कि संचयी बारंबारता में दो चीजें हैं, एक तो संचयी बारंबारता से कम है से अधिक है, ये सारी चीजें अगर हमको आते रहेंगी तो ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अभी आप बोलोगे संचयी बारंबारता कहाँ से आ गया, मतलब ये पहले हमने पढ़ाया है और हम लोग जो है आज प्रकृति प्लस संग्रह कर रहे हैं और प्रकृति प्लस संग्रह के सवाल का भी रिविजन कर रहे हैं हम लोग। मतलब हमारा सारा जितना भी तुम्हें एग्जाम में आने वाला है अलजेब्रा का सारा चैप्टर एक बार पढ़ा के हो गया है। तो फिर भी एक बार आपको शॉर्ट टर्म में रिवाइज कर देते हैं। जैसे आपने देखा ये पहला जो है हमको माध्य है, आपको याद होगा माध्य कैसे निकालते हैं हम लोग, अगर हमारे हमारे पास बहुत सारे नंबर दिए रहे होंगे। माध्य भी माध्य निकालने का दो तरीका है, माध्यिका निकालने का एक तरीका है, और बहुलक के भी जो है सवाल दो प्रकार के सवाल आते हैं। माध्यिका के दो प्रकार के सवाल में एग्जाम आते हैं, एक में माध्यिका दिया रहेगा और एक में माध्यिका नहीं दिया रहेगा, तो वहां पे हमें माध्यिका निकालना पड़ेगा। और जहाँ पे माध्यिका दिया रहेगा उसमें कुछ बीच का टर्म मिसिंग रहेगा, वो मिसिंग टर्म हमको जो बीच का टर्म नहीं रहेगा वो टर्म्स हमें निकालना रहेगा। जैसे माध्य में क्या होता है, जैसे बहुत सारे आपको नंबर दिए रहेंगे, जैसे यहाँ पे दिया गया 3 4 5 8 9 नंबर दिया गया है, तो अगर मुझे यहाँ पे माध्य निकालना है, माध्य सिंपल नंबर दिया गया है, जैसे हम लोग निकालते हैं देखा होगा सातवीं आठवीं औसत निकालते हैं, औसत निकालने अगर हमारे पास 3 और 4 दिया गया है, अगर मुझे 3 और 4 का औसत निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम लोग, औसत बराबर क्या होता है 3 धन 4 बटे 2, 3 धन 4 बटे 2। इसका मतलब सूत्र क्या बनेगा ये हमारा, कि जितने भी अंक हमारे पास दिए रहेंगे उसको सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे बटे क्या करेंगे अंकों की संख्या, बटे हम लोग क्या करेंगे अंकों की संख्या। उसी प्रकार यहाँ पे हमें माध्य निकालना है, तो जो माध्य निकालते हैं, माध्य मतलब क्या हो गया, सभी प्राप्त अंकों का योगफल। जैसे मैंने बहुत यहाँ यहाँ देखो बहुत सारे नंबर दिए गए, 1 2 3 4 5 नंबर है, तो क्या हम लोग क्या करेंगे सभी प्राप्त अंकों का योगफल, समझिए समझिए आपको ये किसी कक्षा के नंबरों की संख्या है, क्या करेंगे 3 धन 4 धन 5 धन 8 धन 9 बटे क्या करेंगे, बटे कितने नंबर हैं 5 नंबर, बटे क्या हो गया 5 हो जाएगा, मतलब प्राप्त अंकों की कुल संख्या बटे क्या आएगा सबका योगफल करेंगे। इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, एक एक प्रकार का माध्य निकालते हैं। दूसरे प्रकार देखा होगा आपने कि जहाँ जहाँ बहुत सारे सवाल दिए रहे, जहाँ पे हमें क्या दिया रहेगा वर्ग दिया रहेगा और बारंबारता दिया रहेगा, वर्ग दिया रहेगा और बारंबारता दिया है, कॉलम बना के दिया रहेगा, अच्छा कॉलम बना रहेगा, यहाँ पे एक में वर्ग हो गया एक में बारंबारता हो गया, तो उसमें क्या करना पड़ेगा तीन कॉलम बनता है। ये सब आपने रिवीजन 7.5 में पढ़ा होगा बराबर है। ये क्या हो गया एक्स आई हो गया, ये क्या हो गया एफ आई हो गया, यहाँ पे तीसरा कॉलम क्या बनेगा एक्स आई गुणे क्या बनेगा एफ आई हो गया।
बराबर है, तो क्या करेंगे हम लोग सबको ये दोनों को गुणा करेंगे तो ये हमें नंबर मिलेगा। यहाँ पे ये नंबर दिया, यहाँ पे 3 दिया गया है, यहाँ पे 5 दिया गया, 5 से कितना हो गया 15 हो गया। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे नंबर दिए रहेंगे तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, तो माध्य बराबर क्या होता है आपको याद होगा फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई। माध्य बराबर क्या होता है वहां पे, सिग्मा एक्स आई एफ आई बटे सिग्मा क्या होता है, बटे सिग्मा, सिग्मा नहीं रहेगा तो यहाँ टोटल चाहिए मुझे, अगर समझे यहाँ पे सिग्मा नहीं चाहिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसको मिसा के यहाँ पे एन आएगा। एन का मतलब क्या हो गया सभी आंकड़ों का योगफल, एन का मतलब क्या हो गया सभी आंकड़ों का क्या हो गया वो योगफल हो जाएगा वो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग एन लिख सकते हैं, एन ये क्या हो गया सिग्मा एक्स आई एफ आई, तो सिग्मा एक्स आई एफ आई का मतलब क्या होता है जो हमारा लास्ट कॉलम था एक्स आई एफ आई जितने भी नंबर आएंगे, सिग्मा का मतलब क्या होता है योगफल, सिग्मा का मतलब क्या होता है योगफल, तो सिग्मा एक्स आई एफ आई बटे क्या आएगा एन, एन मतलब क्या हो गया कितने वहां पे नंबर दिए रहेंगे सभी नंबरों क्या करेंगे, नंबर मतलब क्या होगा जो 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 रहेगा एफ आई का रहेगा, एफ आई मतलब बारंबारता, बारंबारता इंग्लिश में क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसलिए इसको क्या लिखा जाता है एफ आई लिखते हैं। तो एफ सेकेंड कॉलम में जितने भी नंबर रहेंगे सबको जोड़ लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग क्या निकालते हैं माध्य निकालते हैं। अगर हमें कहीं माध्यिका निकालना रहेगा, माध्यिका शॉर्ट टर्म में रिवाइज करते हैं, माध्यिका निकालना रहेगा तो हम लोग पहले क्या निकालते हैं आपको याद होगा माध्यिका का सूत्र जो हमने रिवाइज किया था पहले, उसमें दो प्रकार के एक नंबर दिए रहेंगे, जितने भी नंबर दिए रहेंगे यहाँ दिया गया है 8 दिया गया है, 2 दिया गया है, 6 दिया गया है, 12 दिया गया है, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा माध्यिका निकालने में सभी नंबरों को हम लोग आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम मतलब क्या हो गया नंबर को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। उसके बाद क्या निकालेंगे एन निकालेंगे, एन मतलब कितने नंबर हैं, नंबर क्या हो सकता है सम संख्या या तो विषम संख्या हो सकती है, तो सम का निकालने का सूत्र अलग है माध्यिका निकालने का और विषम संख्या निकालने का सूत्र अलग है। सम क्या होगा पहले हम लोग क्या निकालेंगे एन बटे दो निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे एन बटे दो धन एक निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या निकालेंगे यहाँ से हमें क्या नंबर मिलेगा या पद मिलेगा, यहाँ पे चौथा पद मिला, यहाँ पे मुझे पांचवा मिलेगा, तो चौथा और पांचवा पद जो हमने आरोही क्रम में अरेंज किया है उसमें क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे और उसका क्या निकालेंगे औसत निकालेंगे। उसी प्रकार जो हमको बहुलक निकालना होता है तो बहुलक में जिस नंबर जिस वर्ग की बहुलक में जिस वर्ग की बारंबारता सबसे ज्यादा रहेगी, जैसे यहाँ पे दिया गया 2 दिया गया है, फिर 3 दिया गया है, 3 दिया गया है, 4 दिया गया है, 5 दिया गया है, तो 3 सबसे ज्यादा बार है कि नहीं, तो 3 जो है सबसे ज्यादा बार है, इससे बहुलक कितना हो गया यहाँ पे 3 हो गया। जो नंबर सबसे ज्यादा बार रहेगा वो क्या होगी बहुलक हो गया। अगर टेबल बना के दिया रहेगा तो वहां पे वर्ग और बारंबारता वहां पे लिखा रहेगा, वर्ग और बारंबारता लिखा रहेगा, तो सिंपली जिसकी नंबर जिसकी बारंबारता ज्यादा रहेगी वो हमारा क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। अगर ऐसा नंबर दिया रहेगा तो जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो क्या हो गया हमारा बहुलक हो गया। उसके बाद देखा होगा संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता दो प्रकार का होता है, एक से कम एक से अधिक, एक से कम एक से अधिक। यहाँ क्या होता है नंबरों को हम लोग ऊपर से नीचे जोड़ते हैं, याद होगा तो पहला नंबर जो पहला नंबर रहेगा जैसे यहाँ पे पहला नंबर हो गया ना, ये जैसे यहाँ दिया गया है 2 दिया गया है, 4 दिया गया है, 5 दिया गया है, तो यहाँ लिखे पहला नंबर इसे रहेगा, फिर 2 धन 4 आएगा, 4 2 कितना हो गया 6 हो जाएगा, फिर 6 में 5 को जोड़ेंगे 6 5 कितना 11 हो जाएगा, तो ऊपर से जोड़ेंगे और जो से अधिक रहेगा उसमें क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे। ये क्या हो गया जो हमने अब तक का रिवीजन किया 7.3 7.4 7.5 का हमने क्या किया है रिवीजन किया है, और आपने पहले पढ़ा होगा ये माध्य भी पढ़ा है, माध्यिका भी पढ़ा है और बहुलक भी आपने पढ़ा है, और संचयी बारंबारता से कम से अधिक के भी सवाल किए। ये मैंने आपको रिवाइज क्यों किया क्योंकि अगर हमको नहीं आता रहेगा तो आज का जो सवाल है हम लोग नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर प्रकृत प्रश्न संग्रह 7 का क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां देखोगे तो मैंने आपको बताया कि ये जो माध्यिका का सवाल है इस माध्यिका में क्या दिया गया है थोड़ा अलग प्रकार का दिया गया है। इसमें हमें क्या किया माध्यिका दिया गया है और उसके बीच का मिसिंग नंबर निकालना है हमें। पहले सवाल देखो यहाँ पे क्या दिया गया है 45 47 50 52 x कॉमा x प्लस 2 कॉमा 60 62 63 74 की माध्यिका 53 दिया गया है, कि माध्यिका 53 दिया गया है, तो x का मान हमें याद करना है। x का मान जब हमारे पास आ जाएगा तो उस जहां पे x है वहां पे x का मान रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा सारे नंबर मिल जाएंगे।
जब सारे नंबर हमको मिल जाएंगे तो उसमें हमें क्या निकालना है, माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। मतलब एक ही सवाल में हमें माध्य निकालना है, माध्यिका भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है, क्योंकि ये क्या है, प्रकृति प्रसंग्रह का सवाल है। ऐसा सवाल जो है बोर्ड के एग्जाम में आता है, दसवीं के सवाल में आता है, आप लोग नवीं में हो भी वो प्रैक्टिस के लिए दिया गया। ऐसे मतलब सारे चीजों का यहाँ पे रिविजन किया गया है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नंबर को आरोही क्रम में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें माध्यिका दिया गया है, इसलिए जो नंबर यहाँ पे लिखा गया है वो आरोही क्रम में पहले से लिखा गया है। अगर नहीं रहेगा तो हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि माध्यिका यहाँ पे दिया गया है तो आरोही क्रम में लिखा ही है नंबर, क्योंकि एक्स का मान क्या है हमको पता नहीं है, तो भी मैंने हेडिंग दे दिया है सिर्फ 45 वैसे का वैसा लिख दिया है। उसके बाद सारे नंबरों को हम लोग काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो लिखेंगे n बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। ये हमारा पहला स्टेप हो गया कि सारे नंबरों को आरोही क्रम में लिखेंगे, उसके बाद n की संख्या काउंट करेंगे, वह संख्या जो है सम हो सकती है या विषम हो सकती है। तो उसके बाद क्या करना, अगर सम संख्या रहेगी तो क्या करना है हमें वो देखना है, विषम का अलग रूल है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एन बटे दो पद निकालेंगे, एन बटे दो पद मतलब वो पद कौन सा है, ये हमारा पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, नौवा, दसवा, ये से हमारा क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, हमारे पद हो गए हैं। तो ऐसे सारे पदों को क्या करना है हमें निकालना है, तो एन बटे दो पद निकालेंगे, तो एन का मान कितना आया, 10, तो 10 बटे दो, दो पंचे 10, मतलब ये पांचवा पद मिला मुझे यहाँ पे, क्या मिला यहाँ पे, पांचवा पद। अब उसके बाद क्या करेंगे, एन बटे दो धन एक वा पद, एन बटे दो धन एक वा पद निकालेंगे, ठीक है। तो एन कितना, एन का मान तो वही हमारा है 10, तो 10 बटे दो धन एक, तो 10 बटे दो कितना था, पांच आया था, पांच धन एक कितना आ गया, पांचवा पद मिल गया, तो पांच धन एक कितना हो गया, छठवा पद मिल गया मुझे। मतलब मुझे क्या मिला यहाँ पे, एन बटे दो और एन बटे दो धन एक में पांचवा पद मिला और छठवा पद मिला। मतलब उसके बाद क्या करना है, जो हमें पद मिला है उस पद का हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है माध्यिका निकालने के लिए। तो माध्यिका बराबर क्या हो गया, माध्यिका अभी इसके पहले आपको बताया मैंने औसत कैसे निकालते हैं, दोनों नंबर को जोड़ेंगे और बटे दो कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ मुझे क्या मिला, माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर पांचवा पद धन छठवां पद बटे दो हो गए, ठीक है। ये हमारा रियल सूत्र हो गया, माध्यिका बराबर पांचवां पद धन छठवां पद बटे दो। अगर आप कोई और सवाल कर रहे हो तो उसमें देखो सातवां पद भी आ सकता है, दूसरा पद आएगा, जो पद यहाँ पे हमें मिलेगा वो पद यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हमने लिखा पांचवां पद धन छठवां पद बटे कितना आ गया, दो आ गया। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे पांचवा और छठवां पद ही निकालना है, x का मान ज्ञात करना है। अगर मुझे x का मान ज्ञात करना है मतलब मुझे पांचवा पद यहाँ पे ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे माध्यिका दिया गया है, 53 दिया गया, तो यहाँ पे माध्यिका का ज्ञात कितना आएगा, 53 आएगा। अब हमें पांचवा और छठा पद निकालना है, अगर हम लोग इसमें काउंटिंग करेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो पांचवा के पद कौन सा यहाँ पे, x है, और छठवा पद कौन सा यहाँ पे, x प्लस 2 है, x प्लस 2 है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x प्लस 2 बटे 2 आ गए। अब हमारा क्या मिल गया, ये हमें एक समीकरण मिल गया, मतलब 53 अपॉन 1 इज इक्वल टू x प्लस 2 डिवाइड बाई 2। अब इसको मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमने पहले ही सीखा है, कहाँ सीखा है, सातवीं में, आठवीं में सीखा है हमने। इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इसको हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। शुरू करने के पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो या आप x प्लस x को आप जोड़ भी सकते हो। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों साथ में कर सकते हैं, 53 इंटू 2 मतलब 53 गुणे 2 हो गया, 106 हो जाएगा, और x प्लस x कितना हो गया, 2x हो गया, 2x और प्लस 2, 2x प्लस 2, तो मैं तो 106 इज इक्वल टू 2x प्लस 2 हो गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है जो जैसे हमें आता है, इसमें कोई नया तरीका नहीं है, जो हमने बचपन से सीखा है सातवीं आठवीं छठी में कि एक एक चरांक पर समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं, हमें वही करना है। मतलब यहाँ पे 2 कहाँ पे आएगा, लेफ्ट में आएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया, 2x हो गया, तो 106 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2x हो गया, तो 106 माइनस 2 104 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 104 हो गया, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 5 10 और 2 2 4, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 52 आ गया।
ये हमारा पहला पार्ट हो गया, क्या हो गया हमारा ये पहला पार्ट हो गया कि हमें यहाँ पे एक्स का मान निकालना था, मतलब हमें एक्स का मान निकालना था, मतलब हमें क्या निकला, पांचवा पद हमें मिल गया। अगर हमारा पांचवा पद 52 है, अगर हमारा पांचवा पद 52 हुआ तो छठा पद कितना है, छठा पद क्या था, x प्लस टू था, मतलब 52 प्लस 2 हो जाएगा, 52 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा, 54 हो जाएगा। तो पांचवा पद 52 हो गया और छठवा पद हमारा कितना हो गया, 54 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है और बहुलक निकालना है। इसी इसी नंबर का, ये जो नंबर हमारे पास है, इसी का हमें माध्य निकालना है और बहुलक निकालना है। अब जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है हाथ में लेते रहो, बाद में क्या टाइम नहीं मिलता हमको, जब हमने जब मैं स्क्रीन शेयरिंग करूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तुरंत लेके रख लिया करो आप। अब हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो जब भी मुझे माध्य निकालना रहेगा तो मुझे सारे नंबर वहां पे चाहिए। अब हम लोग एक्स की, एक्स और एक्स प्लस टू की जगह क्या रखेंगे, नंबर रखेंगे और आगे बढ़ेंगे भी हम लोग। अब यहाँ पे देखोगे आप, ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, मैंने नंबर को रख दिया, तो नंबर रखने के बाद मुझे क्या मिला, 45, 47, 50, 52, फिर उसके बाद 52 फिर से मिला, क्योंकि x का मान कितना है, 52 आया, 52, 54, 60, 62, 63, 74। अब हमें क्या करना है, इसका हमें माध्य निकालना है, इसका हमें क्या करना है, माध्य निकालना है। तो माध्य का आपको सूत्र मैंने बताया था, माध्य बराबर क्या होगा, संख्याओं का युगफल, संख्याओं का युगफल बटे संख्या, संख्याओं का युगफल बटे कितना आएगा, संख्या, मतलब क्या हो गया, एन हो गया। अब सारे नंबरों को जोड़ेंगे, 45 + 47 + 50 + 52 + 52 + 54 + 60 + 62 + 63 + 74 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे माध्य निकालना है। तो अब सबको जोड़ने पे कितना आएगा, 559 डिवाइड बाय 10, मतलब 559 और डिवाइड बाय 10। अगर मुझे 10 से भाग देना है, आपको याद ही है, 10 से अगर मुझे भाग देना है तो कितना सिंपल है, 10 से भाग देना है तो ऊपर वाले में दशमलव एक अंक के बाद क्या आएगा, दशमलव आएगा, मतलब कितना हो जाएगा ये, 55.9 हो जाएगा, 55.9 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, सवाल का माध्य हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका बहुलक निकालना है। अब बहुलक में क्या निकालना है, देखो बहुलक, तो बहुलक निकालने के लिए मैंने बताया बहुलक दो प्रकार का होगा, एक जहां सारे आपको नंबर दिए रहेंगे, सारा नंबर आपको दिया गया है, एक जो है आपको टेबल के रूप में दिया रहेगा। तो ये जहाँ पे नंबर दिया गया, तो जब नंबर दिया रहेगा, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आएगा वो हमारा क्या हो गया, बहुलक। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 45, 47 सब एक बार ही है, सिर्फ देखो 52 जो हमारा है, 52 जो है वो दो बार है, 52 दो बार है, तो यहाँ का बहुलक क्या हो गया, 52। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि किस तरह से हम लोग बहुलक भी निकालते हैं, किस तरह से हम लोग माध्य निकालते हैं, और किस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, माध्यिका भी निकालते हैं। एक ही सवाल में सारी चीजों को आपको बताया गया है, माध्य कैसे निकालेंगे, माध्यिका कैसे निकालेंगे और बहुलक कैसे निकालेंगे। इसमें जो भी आपको डाउट होगा आप एक पेज पे लिख के रखोगे, लास्ट में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो सारे डाउट आप सॉल्व कर सकते, पूछ सकते हो। लेकिन चूंकि ये हम दूसरी या तीसरी बार हो रहा है, दूसरी बार रिविजन हो रहा है, अगर आपने इसके पहले का लेक्चर अटेंड किया होगा तो आपको डाउट तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर और डाउट और पढ़ने के बाद आपने घर पे उसको प्रैक्टिस भी किया होगा। अगर आपको लगता है सिर्फ मैंने ऑनलाइन क्लास पढ़ा, सारे डाउट मेरे सॉल्व हो गए, अब मैं उसको फिर से पढ़ूंगा नहीं, ना मैथ्स मुझे आ गया, तो इम्पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। मैथ्स में आपको कुछ भी कितना भी आ जाए, सारे सवालों को आपको कम से कम 10-5 हफ्ते के अंदर उसको एक बार रिवाइज करना पड़ता है। आपका अगर ओवर कॉन्फिडेंस हो गया तो भी मैथ से प्रॉब्लम आता है। अगर हमारे सारे बेसिक क्लियर हैं, सारे फॉर्मूला क्लियर हैं, आप उसे कुछ दिन बाद में रिवाइज करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर हमारे बेसिक एक एक करके क्लियर हो रहा है तो सारी चीजों को बार बार रिवाइज करने पे ही हमारा डाउट क्या होगा, क्लियर होगा। इसलिए बोलते हैं मैथ्स में हमको कितना, जैसे हम लोग नौवीं में पढ़ रहे हैं तो जो हमने आठवीं में सब पढ़ा है, सूत्र पढ़ा होगा, ए प्लस बी का वर्ग, ए माइनस बी का वर्ग, ए प्लस बी का वर्ग घन पढ़ा होगा, सारे चीजों को हमको याद होना चाहिए, क्योंकि हमें उसका भी उपयोग यहाँ पे करना पड़ता है। ये नहीं हमें आठवीं पास हो गए, नवीं में आ गए, आठवीं सब भूल जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता मैथ्स में। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारा छठा सवाल है। छठे सवाल में हमें क्या करना है, देखो पहले यहाँ बहुत सारे नंबर दिए गए हैं, इतने सारे नंबर दिए गए हैं,
अब इसमें लिखा गया है कि लास्ट में क्या लिखा गया है, यहाँ पे जो मैं पढ़ रहा हूँ ये जो है यहाँ से नंबर हो गया, उसके बाद क्या लिखा गया, 30 से 40, 40 से 50, इस प्रकार वर्ग लेकर वर्ग सीमा से कम, जो कि यहाँ पे दिया गया है वर्ग लेके मतलब वर्ग सीमा से कम, मतलब क्या चाहिए मुझे यहाँ पे, संचयी बारंबारता चाहिए। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता जहां भी आएगा वहां पे दो कंडीशन रहेगी, से कम से अधिक। अब इसमें लिखा गया है से कम प्रकार की संचयी बारंबारता साड़ी बनाइए, और उस साड़ी के आधार पर आपको निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है। अब नीचे देखो तीन प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, तीन प्रश्न दिया गया है, ये हमारा पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, बराबर है। तो इतना करने के लिए क्या करेंगे, पहले हमको टेबल बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। अगर हमारे पास पहले से टेबल बना बनाया दिया रहेगा, जैसे वर्ग का दिया गया है, बारंबारता का दिया गया है, तो हमें क्या बनेगा, सीधा सीधा थर्ड पे क्या बनेगा, संचयी बारंबारता से कम बनेगा। लेकिन यहाँ पे टेबल दिया गया नहीं है, टेबल दिया गया नहीं है, यहाँ पे देखो वर्ग दिया गया है और सारे नंबर दिए गए हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, याद होगा हमने जो 7.3 पढ़ा था, बारंबारता बंटन साड़ी कैसे बनाते हैं, बारंबारता बंटन साड़ी कैसे बनाते हैं, उसका उपयोग करके पहले हमको टेबल बनाना पड़ेगा। कौन सा टेबल, एक वर्ग का टेबल, एक क्या आ गया, गणन चिन्ह आ गया, गणन चिन्ह के बाद क्या आएगी, बारंबारता आएगा, और बारंबारता के बाद क्या आएगा हमारा, संचयी बारंबारता से कम से अधिक वाला। इस तरह से आपको पहले मैंने बताया है कि बारंबारता मैंने पढ़ाया था, बारंबारता बंटन साड़ी हम लोग कैसे बनाते हैं। अगर आपको अगर सवाल में वर्ग और बारंबारता दिया रहेगा तो हमको इस गुणन चिन्ह की जरूरत नहीं पड़ेगी, और टेबल अगर बना के दिया रहेगा तो हमको सिर्फ टेबल बना देना है। लेकिन यहाँ इस सवाल में क्या दिया गया है कि आपको टेबल भी नहीं दिया गया, सिर्फ नंबर दे दिया गया है। कितने नंबर है, 68 नंबर है, सारे नंबरों क्या करना है मुझे, इस वर्ग के हिसाब से डिवाइड करना है। तो अगर आपको याद होगा कि बारंबारता बंटन साड़ी कैसे सिखाया गया था, तो उसके उसके अनुसार पहले हम लोग यहाँ पे चार कॉलम बनेगा, एक वर्ग, एक एक वर्ग हो गया, एक हो गया गुणन चिन्ह, एक हो गई बारंबारता, और एक हो गया संचयी बारंबारता से कम लिखा गया, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे जो वर्ग दिया गया है 30 से 40 दिया गया, 40 से 50 आगे डॉट डॉट करके लिखा गया है, मतलब उसने पूरा वर्ग बुक में लिख के दिया गया नहीं है। अब हमको डिसाइड करना है कि हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कहाँ का है, सबसे इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। जिस जब तक वो बड़ा नंबर हमारे वर्ग में नहीं आएगा तब तक हमारा वर्ग जो है कंटिन्यू चलता रहेगा, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, देखो 80 भी यहाँ दिख रहा है। तो जब तक हमें 80 दिख रहा है मतलब 80 वाला वर्ग हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे दो, एक 80 यहाँ भी, 80 यहाँ भी है, 80 के ऊपर भी नंबर होगा। तो हमें क्या करना है, सारे नंबरों को देख लेना है पहले कि हमें यहाँ पे कहाँ तक जाना है, उसको देखने के बाद पहले हमें वर्ग को पूरा कर देना है, हमें कहाँ तक लेके जाना है, जब तक हमारा सबसे बड़ा नंबर जो होगा इस 68 में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो जब तक उस वर्ग में नहीं आ जाएगा तब तक हमको क्या करना है, कंटिन्यू करना है ये। अब जैसे लास्ट टाइम डिस्कस किया गया था 30 से 40 है, 40 से 50 है, अब हम लोग 40 कहाँ लिखेंगे, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से काउंटिंग कहाँ होगा। तो ये भी मैंने 7.3 में आपको बताया था, मैंने ही पढ़ाया था कि जब दो कंटिन्यू क्लास आएंगे तो हम लोग 40 कहाँ पे कंसिडर करेंगे। जैसे 30 से 40 हो गया, फिर यहाँ 40 से 50 हो गया, ध्यान से देखें एक ही बार बताऊंगा मैं, और यहाँ पे 50 से 60 हो गया। जब इस तरह की संभावना आती है तो पहले वर्ग में क्या करेंगे हम लोग, 30 से 39.9 तक जाएंगे, 39, क्योंकि यहाँ पे दशमलव नहीं है, दशमलव अगर रहेगा तो बात की बात है, दशमलव नहीं है तो हम लोग 30 से लेके 39 तक के नंबर जो है इस वर्ग में आएंगे, और 40 कहाँ पे आएगा, इस वर्ग में आएगा, मतलब यहाँ पे भी 40 से लेके 49, 40 से लेके 49 तक के नंबर जो है इसमें आएंगे, और 50 कहाँ पे आएगा, 50 यहाँ पे आएगा, और फिर इसमें 50 से लेके 59 तक के नंबर यहाँ पे आएंगे, 50 से लेके 59 तक के नंबर यहाँ पे आएंगे, 60 कहाँ जाएगा, आगे वर्ग में जाएगा। ये सब आपको मैंने पहले पढ़ाया है, उसके अनुसार क्या करना है आपको, वर्ग बनाना है, फिर सबका गणन चिन्ह यहाँ पे लगाना है, गणन चिन्ह के बाद फिर क्या आएगी, बारंबारता,
जैसे ये कैसे लगाना आपको बताया था मैंने, जैसे कोई नंबर आएगा, एक बार आया एक दिखेंगे, फिर दूसरी बार आया दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, और फिर जब पांचवी बार आएगा तो हम लोग इसको क्रॉस कर देंगे ऐसा। इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा एक ग्रुप जो है पांच का है, फिर अगर वो छह आएगा, छह सात आठ नौ और ये 10 हो गया। तो इस तरह से क्या करना, हमको ग्रुपिंग करना है, और हमको कट जो है ऐसे ही करना, ऐसा नहीं करना कट, बराबर है। तो जिस तरह से हमको बताया गया है, जो रूट बनाया गया है, सारे नियमों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है, तो काउंटिंग करके हम लोग क्या करेंगे, बारह बारह में काउंटिंग करेंगे। ये कितना हो गया, पांच दस और चार लाइन है, 14 हो गया। फिर यहाँ पे 20 है, काउंटिंग करेंगे, पांच दस और एक 11 हो गया, फिर 12 नौ और ये 2। और जब पूरे को काउंटिंग करेंगे तो 68 आएगा, क्योंकि यहाँ पे परीक्षा में 68 विद्यार्थी ने परीक्षा में 68 विद्यार्थी जो है परीक्षा में बैठे। ये हमारा आधा टेबल हो गया। अब आधा टेबल के बाद क्या देखेंगे, संचयी बारंबारता लास्ट में है। अब इसमें दिया गया है संचयी बारंबारता से कम, ठीक है। अब संचयी बारंबारता से कम में कैसे जाएंगे हम लोग, पहला नंबर जो ये पहला नंबर है, पहला नंबर वैसे का वैसा रहेगा, ये पहला नंबर जो है वैसे का वैसा रहेगा। फिर आगे बढ़ेंगे, 14 के बाद क्या आएगा, ये 14 जो आया उसमें क्या, 14 जो आया उस 14 में 20 को ऐड कर देंगे, 14 प्लस 20, 14 प्लस 20 = 34, बराबर है। अब उस 34 में आगे वाला नंबर जोड़ देंगे, 34 प्लस 11 45, 45 प्लस 12 57, 57 प्लस 9 66, 66 प्लस 2 कितना आ गया, 68 आ गया, बराबर है। तो इस तरह से क्या करेंगे हम लोग, ऐड करते रहेंगे। ये जो है संचयी बारंबारता से कम का नियम बना के ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, और सारे नंबरों को वन बाय वन ऐड करते रहेंगे, और जो हमें लास्ट मिलेगा ये 68 मिलेगा, 68, ये 68 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि सारे नंबरों को हमने सिस्टम से जोड़ा है, सिस्टम मतलब संचयी बारंबारता से कम के हिसाब से। और ये दोनों नंबर जो है सेम होना चाहिए, ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये अगर ये नंबर जो हमारा आया दूसरी बार आया, ये गलत आएगा, मतलब हमने जो जोड़ जो ऐड किया एडिशन, वो हमारा एडिशन क्या है, थोड़ा गलत है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इतना होने के बाद हमें जो नीचे प्रश्नों के उत्तर दिया गया उसको उत्तर देना, उसका उत्तर देना। तीन प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे कि 80 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 80। अब देखो, अगर तुम ये लास्ट वाला देखोगे तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे 80 मुझे यहाँ काउंट करना है, 80 से 90 के बीच में जो आएगा उसको हम लोग 80 से 90 के वर्ग में काउंट करेंगे। मतलब 80 से कम मतलब ये पूरा यहाँ तक जो 80 से कम बच्चे, ये 70 से 80, मतलब क्या बताया था आपको मैंने, 70 से 79 तक के बच्चों को काउंटिंग यहाँ करनी मुझे। मतलब अगर मुझे 80 से कम चीज क्या मुझे ऐड करना है, 9 प्लस 12 प्लस 11 प्लस 20 प्लस 14। अगर ऊपर से काउंटिंग करेंगे 14 प्लस 20 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 9, मतलब उसमें से दो छोड़ देना है, मतलब 68 में से हमें दो नहीं लेना है, सिंपल सी बात है। दो नहीं लेना मतलब कितना आएगा, 66 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, 66, ये हमारा पहले का उत्तर हो। अब दूसरा क्या बोला गया है, 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, 40 से कम अंक पाने वाले विद्यार्थी। अब 40 से कम बोलेंगे तो पहला वाला ही आएगा, अगर मैं बोलूंगा 40 से कम, जो हमको नियम फॉलो करना है, क्योंकि दूसरे वाले में क्या करना है, 40 से 50, 40 से 49 काउंटिंग करेंगे। मतलब पहला वाला क्या है, 30 से लेके 39 तक के नंबर वहां पे आएंगे, 30 से लेके 39 तक के नंबर कहाँ, मतलब कितना हो गया, 14 हो गए। ये हमारा दूसरे का उत्तर हो गया, 40 से कम अंक पाने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 14 है। अब तीसरा सवाल क्या है, 60 से कम पाने वाले विद्यार्थी, 60 से कम पाने वाले विद्यार्थी। तो 60 से कम पाने वाले विद्यार्थी मतलब क्या हो गया, पहला दूसरा और तीसरा, तो 14 14 प्लस 20 प्लस 11, तो 14 प्लस 20 प्लस 11 आ गया, तो कितने हो जाएगी हमारा, कितना हो गया, 45 हो गया। तो इस तरह से छठे सवाल में तीन प्रश्न पूछे गए हैं और तीनों का उत्तर आपको मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि बाद में आपको कुछ पूछना रहे तो, और जिसको जो डाउट रहेगा उस पॉइंट को लिख के रखिएगा। आप बोलोगे सारे सवाल में डाउट है तो सारे सवाल करने के लिए फिर कुछ ज्यादा घंटा चाहिए, वो चीज नहीं हो पाती वहां पे मैथ्स में। अब हम लोग आगे का जो सवाल एक बचा हुआ उसको देखेंगे। अब आगे वाला जो देखोगे सवाल यही है,
आगे वाले में क्या है, सवाल यही है, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप उसमें देख सकते होगे, पूरा का पूरा नंबर हमारा वही है। कौन सा नंबर? यही नंबर, नंबर भी वही है, वर्ग भी हमारा वही है, सिर्फ उसमें अंतर क्या है, अगर आपके पास बुक है देखो उसमें क्या बोला गया है, संचयी बारंबारता से अधिक बोला गया है। उसमें क्या बोला गया है? संचयी बारंबारता से अधिक बोला गया है, और उसके जो नीचे के प्रश्न है उसको बदल दिया गया है, उसमें जो नीचे का प्रश्न है उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया गया है, बस इतना ही अंतर है। अब हमें क्या करना है, वर्ग, हमारा वर्ग जो है ये वर्ग, गणन चिन्ह और ये बारंबारता, ये हमारा वैसे का वैसा ही रहेगा, वैसे का वैसा ही रहेगा। अब हमें देखना क्या है, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता से अधिक, संचयी बारंबारता से अधिक में हमें जाना है। अब अधिक वाला कैसे करना वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब हमें करना क्या, इसमें अधिक के लिए थोड़ा अलग नियम बनाया गया है, जैसे पूरा पूरा जोड़, ये सबको जो मैंने बारंबारता है ये सबको अगर मैंने ऐड कर लिया ये कितना आएगा, 68 आ गया। तो यहाँ पे मैंने 68 डाल दिया, ये हमारा 68 हो गया। अब क्या करना, जैसे हमने क्या किया था, ऊपर से सबको जोड़ते गए थे क्योंकि हमें लास्ट का नंबर चाहिए। अब इसमें क्या करना है, हमें 68 में से सबको वन बाय वन माइनस करने के, 68 में से सभी नंबरों को क्या करेंगे, वन बाय वन क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। जैसे ये 68 आ गया, अब 68 माइनस 14 करेंगे, 68 माइनस 14 करेंगे तो 54 आएगा। अब 54 माइनस 20 करेंगे, 54 माइनस 20 34, 34 माइनस 11 कितना आएगा, 23, 23 माइनस 12 11, और 11 माइनस 9 कितना आएगा, 2, और ये लास्ट का 2 को देखो वैसे का वैसा है। तो ये जो लास्ट का नंबर 2 है वो हमें सेम टू सेम यहाँ पे मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला तो हमारी मिस्टेक है, हमारी मिस्टेक मतलब जो आपने यहाँ पे गणन चिन्ह बनाया होगा वो कुछ गड़बड़ होगा, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे यहाँ का सारा नंबर आपने मैच किया है, 68 यहाँ पे आया है, तो ये सबको माइनस करने पे 68 हमें आएगा। अगर हमने जो घटाया है वो बराबर रहेगा, और हम लोग सभी लोग आठवीं पास होके आए हैं, मतलब सबको सब्ट्रैक्शन आता ही होगा। तो ये चैप्टर जो है आपके लिए बहुत ही आसान है, इसमें आपको सूत्र याद नहीं करना है, ज्यादा सूत्र है ही नहीं इसमें, एक ही दो सूत्र है, और जो सूत्र है वो सिंपल सा है। ये चैप्टर जो है कोरोना काल में आपके लिए बहुत अच्छा चैप्टर है, सारे चैप्टर इसको रिवाइज करोगे इससे क्या होगा आपको, कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हमें माध्य निकालने आता है, माध्यिका निकालने आता है, पूरक निकालने भी आता है। अब इसके नीचे देखोगे तो यहाँ पे दो प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है कि 70 या उससे अधिक, 70 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, 70 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने होंगे, 70 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी होंगे। अगर आप यहाँ पे टेबल देखोगे टेबल, तो 70 या उससे अधिक, हमें सिर्फ वो चीज याद रखनी है जहाँ पे कंटिन्यू क्लास रहेगा वहां, अगर क्लास जो है अलग अलग रहेगा, अलग अलग का मतलब ये होता है, वर्ग देखो वर्ग दो प्रकार का होता है, एक जहाँ पे कंटिन्यू क्लास रहेगा सतत वर्ग, जैसे 30 से 40 हो गया, फिर यहाँ का चालू किया 41 से क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, फिर यहाँ 51 से 60 हो जाएगा, अगर इस प्रकार का वर्ग है तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखो 40 यहाँ पे है, 40 यहाँ 41 हो गया, तो टेंशन नहीं रहेगा। हमें कन्फ्यूजन कहाँ होता है, जहाँ पे इस तरह के वर्ग आते हैं, तो इस तरह का अगर वर्ग आएगा तो हमको हमें सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि 40 हमें कंसिडर कहाँ पे करना है, उसके लिए मैंने आपको एक बार रिवाइज कर दिया है, अभी आपको आगे। अब यहाँ बोला गया 70 से अधिक, 70 से अधिक बोला गया है, तो यहाँ देखो यहाँ तक जो है 60 से 69 तक के नंबर यहाँ पे आएंगे, 70 से अधिक मतलब लास्ट का दो, 70 से अधिक मतलब क्या हो गया, लास्ट का दो हो गया, तो लास्ट का दो में क्या है, 9 और 2 है, 9 और 2 है, 70 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने, 9 धन 2 कितना हो गया, 11, ये हमारा पहला उत्तर। अब उसके बाद क्या बोला गया है, 30 या उससे अधिक अंक, 30 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, 30 या उससे अधिक मतलब पूरा का पूरा नंबर इसमें, अब पूरा का पूरा कितना है हमारा, 68 है, तो क्या आएगा, 14 प्लस 20 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 68। ठीक है बच्चों, तो ये जो है मैंने अपने हिसाब से आपका माध्य माध्यिका और बहुलक बहुलक को रिवीजन भी किया है, और प्रकृत पर संग्रह का जो सवाल है क्वेश्चन नंबर
सिक्स सेवन एट, क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवन और एट जो है आपके लिए फिर से रिवाइज किया है, ताकि सारे बच्चे जो जो कंफ्यूजन है सारे कंफ्यूजन आपको क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ, अब इसके आप मैं उम्मीद किया होगा आप सारे बच्चों ने स्क्रीन शॉट लेके रखा होगा, और सब मैथ्स का जब भी आपका लेक्चर है, अलजेब्रा हो या ज्योमेट्री हो या साइंस का रहेगा, आपको टेक्स्ट बुक लेके बैठना है। टेक्स्ट बुक अगर आपको रहेगा तो आपके सारे टॉपिक जो है क्लियर होते रहेंगे। अगर किसी को डाउट रहेगा तो पेंसिल लेके बैठने का, पेंसिल और नोटबुक। तो साइंस के साइंस का रहेगा तो पेंसिल उसको टिक मार्क कर सकते हैं हम लोग, और मैथ का डाउट रहेगा तो नोटबुक में उसको क्या करते हैं हम लोग लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका डाउट भी क्लियर होगा, और आपको डाउट कहाँ पे है वो भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, आपको अगर कोई डाउट है तो रेज हैंड कर सकते हो या आप कुछ पूछ सकते हो, आपको जो भी डाउट रहेगा। किसी को डाउट है कुछ? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऋषिक के साथ हो क्या सर? अभी आपने जो लास्ट वाला बारंबार समझाया ना, हाँ सर, उसमें अधिक से बताया गया था, तो उसमें सर जो प्रश्न दिया था सर, उसमें वो 9-11 सर कैसे आया ये नहीं समझ में आया। 9-11? यस सर। कहाँ 9-11 किया मैंने सर? जो वहां पे जो बारंबारता का सांख्यिक नहीं था चिन्ह, कौन से सवाल में? लास्ट आठवें सवाल में, सातवें में सर? आठवें पे। आठवां तो माध्यमादिका वाला है सर। आठवां सवाल जो है उसमें माध्यमादिका बहुपद निकालना था, और छठा और सातवां जो है उसमें संचयी बारंबारता था। ओके सर। नंबर नहीं लिखा आपने, फिर से एक बार देख लो, फिर पूछो कौन सा डाउट है। ओके सर। ठीक है, और किसको डाउट है? शाबाश एक। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, बोलिए सर। जो आपने वो क्वेश्चन है 40 से कम संख्या जो है, हाँ, विद्यार्थी बोलने वाले उस पे आप लिखे हो 14, तो सर 15-16-17 भी तो लिख सकते हैं ना। 40 से कम तो 40? हाँ सर, 40 से कम 30 से 40 से कम बोलने वाले विद्यार्थी। 40 से कम, उसकी जो 40 से कम हम लोग कहाँ देखेंगे? उसके सामने जो बारंबारता लिखी उसको देखेंगे ना। ओ हमारी मर्जी थोड़ी चलेगा, वो जो हम 40 से कम जो सामने उसका बारंबारता दिया है, बारंबारता को उसमें देख के नंबर लिखना है। अच्छा सर, ठीक है, वो नंबर उसमें से नंबर आएगा, अपने मन से नहीं लिखना है हमको ना। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। ठीक है, ओके थैंक यू। बोलो भाई पवन यादव। हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो। हाँ हेलो। छठवा जो था सिक्स नंबर। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो सर। हेलो। सिक्स नंबर का जो आपने दूसरी बार उसे एकांतरित निकाला वो मुझे जानना है सर, वो कैसा है सर? क्या निकाला आपने जो दूसरी बार किया था उसे, जो क्या आपने निकाला था सांख्यिकी निकाला था ना बीच में उसका, दूसरी बार जो आपने किया था जैसे 30 से 40 उसमें जो कॉलम दिया गया, 30 से 40 बीच में जितने नंबर रहेंगे सारे नंबरों को यहाँ टिक मार करेंगे। 30 हो गया, 31 हो गया, 32 हो गया, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ये नंबर कितने होंगे वो हमें काउंट करना। नंबर दिया गया ना, सारे नंबर दिए गए हैं, 30 कितनी बार आया है, 31 कितनी बार आया है, 32 कितनी बार आया है, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 तक जितने नंबर होंगे सारे नंबर को काउंट करना है। अब काउंट करने के बाद कितना नंबर मिला? 14 नंबर मिला है, 14 को वहां पे लिख के उसको करण चिन्ह के रूप में लिखना है वहां। अच्छा सर, जो आपने सर वहां पे अपना जोड़ा था, जोड़ा नहीं डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया था, उसे एक बार रिपीट कीजिए सर। जो आपने मल्टीप्लाई संचयी बारंबारता का मल्टीप्लाई किया है, एक कॉलम में साइड में आपने किया है ना मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई नहीं, संचयी बारंबारता है, उसको जोड़ा गया है।
अच्छा संचयी बारंबारता को सबको जोड़ के लिखा गया, पहला नंबर वैसे लिखा है बारंबार। जब भी मुझे संचयी बारंबारता निकालना रहेगा मुझे क्या चाहिए, बारंबारता चाहिए, तो बारंबारता का जो पहला कॉलम रहेगा, पहला 14 है ना, 14 तो 14 वैसे रहेगा। अब 14 में क्या बारंबारता के नीचे कौन सा है, दूसरा कॉलम 20 है, तो 14 में 20 को जोड़ देंगे, 14 को 20 में जोड़ देंगे, जोड़ना है बुरा नहीं है। 14 और 20 कितना हो गया, 34 हो गया। अब 34 में उसके नीचे नंबर कौन सा, 20 के नीचे क्या है, 11 है, तो 34 में 11 जोड़ेंगे कितना आएगा, 45 आएगा। फिर 45 में 12 जोड़ेंगे सर ना, लाइन टू लाइन करना है ना, एक एक लाइन टू लाइन, वन बाय वन, कुछ भी नहीं है उसके, एक एक करके, एक 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 भी ऊपर नीचे हुआ तो रॉन्ग हो जाएगा फिर। अच्छा सर, ओके सर, थैंक यू सर, ओके वेलकम। और कोई बोल, किस इसी किस बोल सर? हाँ बोलो सर। 17 पहले सवाल नंबर बोलो सर, 7 वाला सवाल है। हाँ बोलो सवाल 7। हाँ बोलो 7 में क्या डाउट है आपको सर? 7 में जो आपने पहला सवाल दिया था, 7 से उससे अधिक अंक, 7 नहीं 70, या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, 70 से अधिक अंक, 70 से अधिक मतलब कौन सा कॉलम आएगा, 70 से अधिक बोला गया है, बराबर है, 70 से अधिक मतलब उसमें क्या क्या आएगा, 70 मतलब नीचे, 70 से अधिक मतलब 70 80 वाला आएगा, 80 और नंबर वाला आएगा, 70 80, 70 और 80 की बारंबारता कितनी है सर? 70 80 का बारंबारता 11 है। अरे 11 नहीं, 9 है, 9 है सर। हाँ, और 80 और 90 की बारंबारता कितनी है सर? 2 2, तो 9 प्लस 2 कितना हो गया, 11 11 वही 11, ओके सर, ठीक है, यस सर। और कुछ? नो सर, थैंक यू। एक कौन है, सोहिल खान, सोहिल खान टेल योर डाउट्स। सोहिल खान आपको डाउट है कुछ? हेलो सर। हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, ये जो नौवां सवाल है, नौवां सवाल तो है ही नहीं यहाँ पे, कुछ छठा सातवां आठवां तीन ही सवाल तो है। अरे वही है ना, तो फिर उसमें ये माध्यिका 53 होती है, एक्स का मान ज्ञात करो, थोड़ा समझ में नहीं आया सवाल। अब पूरा सवाल समझ में नहीं आया आपको? नहीं, थोड़ा आधा उसमें का। तो क्या नहीं है बोलो ना, क्या जैसे मैंने लास्ट में लिखा, तो मैंने पहले क्या निकाला आपको, एन बटे दो का मान निकाला, बराबर हाँ। है, फिर उसमें एन बटे दो एक का मान निकाला, तो वहां पे क्या मिला, पांचवा पद मिला, और क्या मिला, छठवां पद मिला, तो पांच सूत्र क्या बताया गया, माध्यिका बराबर क्या था, माध्यिका बराबर पांचवा पद धन छठवां पद बटे दो था, तो उसका हमें क्या निकालना, औसत निकालना, औसत जो हमें दो पद मिले ना, उस दो पद का औसत निकालना है। औसत कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ेंगे, दो से भाग देंगे, तो माध्यिका का सूत्र क्या है, माध्यिका बराबर पांचवा पद धन छठवां पद बटे दो। अब आप देखो माध्यिका 53 दिया हुआ है, माध्यिका जो है 53 दिया गया है, और पांचवा पद कौन सा है, एक्स है, और छठवां पद कौन सा है, एक्स प्लस टू है, और बटे दो करेंगे, अब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। अच्छा सर, तो 53 बटे एक हो जाएगा बराबर एक्स धन एक्स कितना हो गया, दो एक्स हो गया, दो एक्स धन दो बटे दो, अब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स का मान आएगा, ठीक है। हाँ सर, और कुछ? थैंक यू सर, वेलकम। तो बच्चों आज आज हमने यहाँ पे सांख्यिकी चैप्टर का, सांख्यिकी चैप्टर में प्रकृति प्रसंग्रह का जो है पांचवा, सॉरी छठा सातवां और आठवां सवाल किया है, जिसमें जो आपको समझ में नहीं आया है वो सारे डाउट्स क्लियर किए गए हैं। लेकिन ये सवाल जो है शुरू करने के पहले आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक सभी जो है अच्छी तरह से निकालने आता रहेगा, तो जो है आपको प्रकृति प्रसंग्रह के सवाल आते होंगे। तो मैं इसी उम्मीद करता हूँ कि जो भी सवाल आपको यहाँ पे पढ़ाया गया है, सारे बच्चे ने इसका वो जो है वो यूट्यूब पे भी आपको लोड कर दिया जाएगा, तो सारे बच्चे वहां पे जाके भी यूट्यूब पे भी इस लेक्चर को रिकॉर्डिंग वहां पे देख सकते हैं। और
कृपया करके जितने जो लोग ने स्क्रीनशॉट लिया होगा उसको घर पे जरा एक दो बार सवाल को रिवाइज करो। आपके पास टेस्ट बुक होगी, आपके स्कूल के सर्वे होंगे, तो अगर आप इसके बाद भी अगर आपको डाउट रहता होगा तो सारे डाउट जो है जाके पूछ आपके सर को या वर्ग शिक्षक को एक बार पूछ सकते हो कुछ डाउट रहेगा तो। और आपका जो भी डाउट रहेगा आप यूट्यूब पे सारे लेक्चर को, सारे लेक्चर की रिकॉर्डिंग जो है आप एक बार जाके यूट्यूब BMC EDU 9th स्टैंडर्ड डाल के आप सारे लेक्चर की रिकॉर्डिंग वहां पे देख सकते हो। मैथ्स जो है आपको प्रॉब्लम आता है ऑनलाइन में थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ शंका का निवारण के लिए आपको ऑनलाइन क्लास चालू किया गया। धन्यवाद सभी का।